पंजाब की वज़ीर इत्तला'आत अज़मा बुखारी ने कहा कि हुकूमत कुछ करती है तो सियासी इंतकाम का इल्ज़ाम लगाया जाता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट फौरी पीटीआई की दरख्वास्त लगाकर सुनते हैं। अदालतों का दोहरा मियार नहीं होना चाहिए। मियां नवाज की बेटी के साथ 150 से ज़ायद पेशियाँ भुगती, उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। वकील मुझे अदलिया का बहुत एहतराम है, लेकिन एक्सेप्शन है ना इस वक्त जो नज़र आ रहा है कि इंसाफ सिर्फ एक पार्टी के लिए है, इंसाफ एक ग्रोह के लिए है, सिर्फ उसको मिलता है तातीलात हो या ना, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। सो मैं वही तो आज देखिए, ये इससे बड़ी बात हो सकती है? मेरी पिटीशन 3 मिनट के अंदर उस पर नंबर क्यों नहीं लग सकता? कोई पिटीशन फाइल हुई होगी किसी की भी पीटीआई के बंदे की, अगर वो आज के आज 10 मिनट के अंदर ना फाइल वो नंबर लगे तो मुझे बताइएगा। बात यह है कि मुझे क्यों नहीं, अभी मुझे पौने घंटे से ज़्यादा हो गया। ये कोई तरीका है? ये दौरा में आ रहा है इंसाफ का कि आपने सिर्फ तरीके इंसाफ को इंसाफ देना, बाकी जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को या उनकी औरतों को इंसाफ की ज़रूरत नहीं है? मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कोर्ट में सिर्फ ऊंचा अस्सलामु अलैकुम कहा, चूँकि बाहर से अंदर एंटर हो रही थी, उनको पता नहीं था कि जज साहब तशरीफ़ फरमाएं, उनकी तस्दीक की गई, उनकी बेल कैंसिल करने की धमकी दी गई।